प्रयागराज में अतीक अहमद के शाडू इमरान जई की 300 बीघा पर की जा रही अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन का बुलडोजर चला। माफिया अतीक अहमद के हिस्ट्री शीटर साडू इमरान जई और उसके गुर्गों के सपनों की अहमद सिटी और अलीना सिटी बसने से पहले ही उजाड़ दी गई। चहार दीवारी तोड़ने के साथ ही सड़कों को जेसीबी से उखाड़ दिया गया। इमरान पर हत्या, रंगदारी समेत दर्जन भर से अधिक मुकदमे दर्ज है। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया गिरोह के खिलाफ ध्वस्तीकरण की यह 5वीं कार्रवाई है। इमरान दर्जनों मुकदमों में नामजद है। शहर में करेली, पुरा मुफ्ती, धूमनगंज के अलावा कई जगह उसकी प्लॉटिंग का काम चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये प्लॉटिंग अतीक की ही थी जिसे इमरान कर रहा था। कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद रही। करेली थाना क्षेत्र के बख्शी मोड़ा से लगे सैदपुर गांव में 300 बीघे भूमि कब्जा कर उसने अवैध प्लॉटिंग की थी। ये सरकार और गांव के गरीबों की कब्जा की गई जमीन बताई जा रही है। बिना लेआउट के कराई गई इस प्लॉटिंग को बृहस्पतिवार को प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर लगाकर तोड़वा दिया। 300 बीघे में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी की कीमत 300 करोड़ से ज्यादा है। इनके प्लाटों की बिक्री ऑनलाइन की गई थी जिसमें बड़ी संख्या में विभिन्न शहरों में नौकरी पेशा लोगों ने प्लाट खरीदे थे और रजिस्ट्री कराई थी। इनमें सैनिकों, अधिवक्ताओं, शिक्षकों व अन्य सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों ने प्लाट खरीदे हैं। इससे निवेशकों को नुकसान हुआ है। पीडीए के मुताबिक इस कॉलोनी को बसाने के लिए प्रयागराज विकास प्राधिकरण से लेआउट पास नहीं कराया गया था। इसका भूमि परिवर्तन भी कृषि से आवासीय नहीं कराया गया था। पीडीए ने विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया। अतीक अहमद की दबंगई और काली कमाई के बल पर खड़े हो रहे साम्राज्य के रूप में ही अहमद सिटी और अलीना सिटी को देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद ने अपने साडू और अन्य गुर्गों की मदद से अपने रसूख और ताकत का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों आवासीय परियोजनाओं को बसाना शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में शहर के कई नामचीन सफेदपोश लोगों के काले धन को भी लगाए जाने की बात आ रही है। अब योगी आदित्यनाथ सरकार की सख्ती के बाद वो सफेदपोश लोग सामने तो आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अपने करोड़ों रुपए डूबने से चिंतित जरूर है। प्रयागराज में अभी लगातार 2 दिनों तक अतीक अहमद के दबदबे वाले इलाके बख्शी मोड़ा, दामूपुर, सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर और रावतपुर इलाकों में पीडीए की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अतीक से जुड़े कई और प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी है।